आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। उन्हें यूपी से उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह को भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। उन्हें यूपी से उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह को भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने एक बार फिर से सुधांशु त्रिवेदी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। उन्हें यूपी से उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह को भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया। इसके अलावा हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है।